शिष्य परंपरा की कहानी तो आपने बहुत सुनी और देखी होगी। गुरु के प्रति शिष्यों की निष्ठा आज भी बरकरार है। इसकी एक वानगी मधेपुरा के एक सरकारी विद्यालय में देखने को मिली है, जहां 8वीं की छात्राओं का विदाई समारोह कार्यक्रम चल रहा था। वहां मौजूद छात्राओं ने शिक्षिका से लिपटकर इस कदर रोया कि चर्चा का विषय बन गया। लोगों की तारीफें मिलने लगी, देखने वाले खुद अपनी आंखों पर काबू नहीं कर पाए। लड़कियों ने शिक्षिका को ऐसे लिपट लिया मानो छोड़ना ही नहीं चाहती। शिक्षिका के बार बार चुप कराने पर भी उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि एक घर से बेटी की विदाई हो रही है और बेटी घर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रही है। सारा माहौल गमगीन है, सभी के आंखों में आंसू है। भावुकता इस कदर है कि शिक्षिका भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। यह संबंध यूं ही स्थापित नहीं हुए हैं, इसे स्थापित करने में 8 सालों का समय लगा है। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप हमारे विद्यालय में जितने भी आते हैं सभी को नामांकन कराएं। जितने भी बच्चे हैं यहाँ बेहतर से बेहतर पढ़ाई होती है, यहाँ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग हमेशा सदा तत्पर रहते हैं। यही मैं सबसे आग्रह करूंगी कि सभी इस विद्यालय में सभी अभिभावक सहयोग करें, सभी ग्रामीण सहयोग करें, तो हम लोग विद्यालय परिवार और भी बच्चों को आगे तक ले जाने का हर भरसक प्रयास करेंगे। आपके विद्यालय में विदाई समारोह था, बच्चे ऐसे आपसे गले लिपटकर रो रहे थे जैसे अपनी माँ से दूर हो रही हो, क्या कहेंगे? सभी बच्चों से एक जुड़ाव महसूस होता है, सब आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे दोस्त आपस में जुड़ते हैं, वो दूर जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, वैसे हमारा भी बच्चों के साथ लगाव है। हम लोग इतने दिन से साथ, हम पढ़ाए वे पढ़े, हम लोग साथ में गेम्स भी खेले हैं, बहुत सारी गतिविधि किए हैं, तो वाजिब है कि हमारा थोड़ा इमोशनल जुड़ाव है। इसलिए जब बच्चे जा रहे थे तो वो बहुत इमोशनल हो गए और मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो गई उसको देख करके। लेकिन कामना करती हूँ कि वे आगे और तरक्की करें, उच्च विद्यालय में जाए मध्य विद्यालय से और उसके बाद महाविद्यालय में जाए, आगे ही बढ़ते रहें, प्रगति करें। जब इस बारे में शिक्षिका प्रिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का 8 सालों का संबंध है, सभी बच्चों से एक जैसा जुड़ाव हो गया है, जैसे दोस्त जुड़ते हैं, हम लोग दोस्त की तरह भी रहते हैं। हम लोगों ने उन्हें पढ़ाया है, उनके साथ में खेले हैं, बहुत सारी गतिविधियां की हैं, एक इमोशनल सा अटैचमेंट हो गया है। जब वे लोग जा रहे थे तो रोने लगे, हम भी इमोशनल हो गए। मैं कामना करती हूँ कि यहाँ से निकलकर वे और उच्च स्थानों में प्रवेश करें, हमेशा आगे बढ़े। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।